Hello and welcome to SPMIS Academy. This is APSC Prelims Current Affairs session. Today we will be taking up topic number 601 to 620. So before we proceed, there is a correction. देखिए कल हमने discuss किया था equalization levy. मैंने आपको बताया था कि 6% equalization levy is applicable on digital ads. This was introduced in 2016. लेकिन एक नया तरह का equalization levy इस साल 2021 में launch हुआ है. बिल्कुल हाल फिलहाल में ही हुआ है. ये तो digital ad दिखाने पे हो रहा था. पार्ले जी ने गूगल पे ऐड दिखाया तो उसको 6% टैक्स देना था इक्वलाइजेशन लेवी. अभी कैसा है कि जो ई कॉमर्स पोर्टल्स हैं जैसे अमेजन वगैरह, जो इंडिया से आउटसाइड वाले फॉरेन ई कॉमर्स पोर्टल्स हैं, इंडिया से बाहर वाले ई कॉमर्स पोर्टल्स, उनके ऊपर भी टैक्स लाया है भारत सरकार ने 2% का. कि भाई अगर आप कोई ई कॉमर्स प्रोडक्ट बाहर के, अगर आप ई कॉमर्स कंपनी हैं और इंडिया में कोई ई कॉमर्स प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपको 2% टैक्स देना है. उसको कहा जाएगा इक्वलाइजेशन लेवी. तो ये नया लाया गया है बिल्कुल 2021 में. तो इस कारण से आप ध्यान से समझिए, ये जो सवाल 2016 यूपीएससी प्रीलिम्स में आया था, तो इक्वलाइजेशन लेवी समटाइम्स सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू, तो उस टाइम में करेक्ट आंसर होता ऑप्शन डी, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट. ये ऑप्शन सही होता. लेकिन अब 2021 में ये ऑप्शन ए भी करेक्ट होगा क्योंकि ई कॉमर्स पे भी 2% का इक्वलाइजेशन लेवी लेकर के आ गई है भारत सरकार. तो इसलिए इस तरह का सवाल तो आएगा नहीं. बहुत होगा तो आपको ऑप्शन दे देगा 1, 2, 3, 4 और फिर देगा 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 4 ओनली, देन 1 and 4 बोथ विल बी करेक्ट क्योंकि अब ई कॉमर्स पोर्टल पर भी 2% इक्वलाइजेशन लेवी आ गया है. चलिए आज का पहला टॉपिक लेते हैं 601, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग प्रोजेक्ट. तो बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं कि जिस देश में वो ज़्यादातर बिजनेस कर रही हैं वहां से अपना वो हेडक्वार्टर कहीं और शिफ्ट कर लेती हैं टैक्स हेवेंस में, जहां पर टैक्स कम लगता है. इसी को कहा जाता है बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग. जब कंपनियां अपना बेस चेंज कर लेती हैं, अपनी हेडक्वार्टर को चेंज कर लेती हैं ताकि अपने टैक्स को बचा सके. तो ये बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग का प्रोजेक्ट लाया गया था 2016 में बाय OECD एंड G20 कंट्रीज टुगेदर, ताकि ये कंपनियां अपना अपना टैक्स ज्यूरिडिक्शन बदल देती हैं टैक्स बचाने के लिए, इसको रोका जा सके. इसी से मिलता जुलता इस साल G7 ने भी प्रपोज किया है मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स जो 15% का, तो इसी से मिलता जुलता है. जो कंपनियां अपना बेस शिफ्ट कर लेती हैं टैक्स बचाने के लिए, उसके लिए G20 ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट ला चुका है बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग. इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग प्रोजेक्ट दैट स्टार्टेड इन 2016. वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए. टॉपिक नंबर 602, फाकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ये इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर है नागालैंड के अंदर. इट इज़ पॉपुलर फॉर हॉर्नबिल बर्ड्स. पिछले साल न्यूज में था 2020 के फरवरी मई में काफ़ी न्यूज में था ये, इसलिए मैंने इसको कवर किया है. चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए. टॉपिक नंबर 603, पीएम किसान स्कीम. तो 6,000 रुपये दिए जाएंगे हर साल पर ईयर फॉर एनी लैंड होल्डिंग फार्मर, चाहे कितनी भी ज़मीन हो, कोई लिमिट नहीं है. पहले 2 हेक्टेयर का लिमिट लगाया था भारत सरकार ने स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में वो लिमिट हटा दिया. तो 6,000 कैश बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के फॉर्म में दिए जाएंगे किसानों को हर साल, और ये 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाएंगे 2,000 रुपये के ईच. हर 4 महीने पे 2,000 रुपये दिए जाते हैं किसानों को. इट इज़ ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मतलब इसका पूरा बर्डन जो है भारत सरकार पे होगा. दिस स्कीम वॉज लॉन्च्ड ऑन 24 फरवरी 2019. वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए. टॉपिक नंबर 604, प्रधानमंत्री वन धन योजना. तो वन से ही समझ जाना, जंगल मतलब ट्राइबल्स. तो ये स्कीम ट्राइबल्स के लिए होगा. स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. इसमें कैसा है, ट्राइबल्स की सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाई जाएगी ताकि जो ट्राइबल्स अपना प्रोडक्ट बनाते हैं जैसे हनी या फिर और कोई बीरी वगैरह, उसको मार्केटेबल बनाया जा सके. तो इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी वो होगी ट्राइफेड. ट्राइफेड इज़ ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केट डेवलपमेंट फेडरेशन. ये क्या करेगी कि ट्राइबल लोगों की सेल्फ हेल्प ग्रुप बनवाएगी, और उन सेल्फ हेल्प ग्रुप को नाम दिया जाएगा वन धन विकास समूह, और उस वन धन विकास समूह को प्रमोट कराया जाएगा कि वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में शहरों में लेकर के आए, और उसमें उसकी मदद करेंगे. इस वन धन विकास समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद करेंगे ट्राइफेड, ताकि ट्राइबल लोगों का प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बिक पाए. वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए. टॉपिक नंबर 605, ओपन स्काई ट्रीटी.
तो ओपन स्काईज ट्रीटी में कैसा है, इसके 35 कंट्रीज मेंबर हैं। ये कंट्री एक दूसरे को अलाउ करते हैं कि उनके टेरिटरी के ऊपर इस तरह से सर्विलेंस, एयर सर्विलेंस दूसरी कंट्री कर सकती है। जैसे ये 35 कंट्रीज के सिग्नेटरी हैं तो ये अलाउ करेंगे, जैसे कनाडा अलाउ करेगा यूएस को कि इसके ऊपर वो यूएस एक इस तरह का फ्लाइट भेज करके सर्विलेंस कर सके कि कनाडा कोई बहुत खतरनाक हथियार तो नहीं बना रहा। तो इट अलाउज, ओपन स्काईज ट्रीटी अलाउज द मेंबर कंट्रीज टू मॉनिटर सिग्नेटरीज कंट्रीज आर्म्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बाय सेंडिंग सर्विलेंस फ्लाइट ओवर ईच अदर्स टेरिटरी। देर आर 35 सिग्नेटरीज, ऑफकोर्स इंडिया इज नॉट मेंबर ऑफ दिस ओपन स्काईज ट्रीटी। ये 2020 में काफ़ी न्यूज में था क्योंकि यूएस पुल्ड आउट ऑफ दिस ओपन स्काईज ट्रीटी, डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में यूएस ने इससे पुल आउट कर लिया था। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 606, एजुकेशन ड्यूरिंग कोविड। तो आसाम सरकार ने दो इनिशिएटिव लिए थे पिछले साल कोविड के टाइम में भी एजुकेशन को कंटिन्यू कराने के लिए, खासकर स्कूल चिल्ड्रन के एजुकेशन को कंटिन्यू कराने के लिए। एक एकेडमिक टेलीविजन चैनल स्टार्ट किया गया था जिसका नाम था ज्ञान वृक्ष, अभी भी ये चल रहा है। इसमें कैसा है, बच्चों को क्लास वन से लेकर के क्लास ट्वेल्थ के बच्चों को रेगुलर लाइव क्लासेस दी जा रही थी। ज्ञान वृक्ष टीवी चैनल बाय असम गवर्नमेंट अंडर समग्र शिक्षा अभियान, क्लास वन से लेकर के क्लास ट्वेल्व तक के बच्चों को एजुकेशन दिया जा रहा था थ्रू ज्ञान वृक्ष। एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया था असम सरकार ने, विश्वविद्या असम यूट्यूब चैनल बाय असम गवर्नमेंट, ताकि लोगों को एजुकेशन इंपार्ट किया जा सके। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, आगे चलिए। टॉपिक नंबर 607, एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी। तो एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी इस इमेज की मदद से समझिए। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई नेशनल पार्क है, ये ग्रीन वाला कोई नेशनल पार्क है। तो अब यहाँ नेशनल पार्क में तो आप फिर ड्रिलिंग कर नहीं सकते, लेकिन मान लीजिए इस नेशनल पार्क के नीचे ऑयल एंड नेचुरल गैस भी है, तो ऑयल एंड नेचुरल गैस भी निकालना है लेकिन आप वहाँ पर ड्रिल कर भी नहीं सकते। तो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ से कहीं से ड्रिलिंग करेंगे और ड्रिल करके आप यहाँ, मतलब हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करते हुए आप यहाँ से फिर ऑयल और नेचुरल गैस निकालेंगे। इनफैक्ट मैंने थोड़ा सा उल्टा बता दिया है इमेज। ये देखिए, मान लीजिए कि नेशनल पार्क, ठीक है, ये ब्राउन कलर वाला नेशनल पार्क है और ये डार्क कलर से है यहाँ पे मान लीजिए ऑयल और नेचुरल गैस का रिजर्व। अब ट्रेडिशनल तरीके से आप सीधा सीधा जाकर ड्रिलिंग करते, तो ट्रेडिशनल तरीके से सीधा सीधा ड्रिलिंग करते तो यहाँ पे इन्वायरमेंट को डिस्टर्बेंस होता। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि नेशनल पार्क है तो तब एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग में क्या होगा कि यहाँ से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जाएगी ऐसे, और यहाँ पे ऐसे पाइप भेजा जाएगा और फिर ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। एक्सटेंडेड ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है ऑयल इंडिया लिमिटेड इन डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क टू एक्सप्लोर हाइड्रोकार्बन्स। इस प्रोसेस में देयर विल बी नो हार्म टू फ्लोराज एंड फौना येट द ऑयल एंड नेचुरल गैस लाइंग बीनीथ द डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क विल बी एक्सट्रैक्टेड। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 608, बैंक बोर्ड ब्यूरो। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2016। इट इज ए 7 मेंबर ऑटोनोमस बॉडी। इसका काम क्या होता है कि इट सेलेक्ट्स द CMDs और पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के, मतलब जो टॉप मोस्ट पोस्ट के लोग होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के, सरकारी बैंक के, उनको ये सेलेक्ट करता है, प्लस CMD ऑफ पब्लिक इंश्योरेंस कंपनी जिनको ये सेलेक्ट करता है। कैसे, UPSC में बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है, वो सेलेक्ट करने वाली बॉडी है UPSC थ्रू सिविल सर्विसेज एग्जाम, और वो सेलेक्ट करके फिर सरकार को रिकमेंड कर देती है कि सर इन लोगों को अपॉइंट कर दिया जाए, तो सरकार अपॉइंट करती है। ठीक वैसे ही बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है वो CMD को अब सेलेक्ट करेगा फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक और फॉर पब्लिक इंश्योरेंस कंपनीज। एक बार बैंक ब्यूरो ने सेलेक्ट करके भारत सरकार को रिकमेंड कर दिया तो फिर भारत सरकार उनको अपॉइंट करती है चीफ ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। और ये जो बैंक बोर्ड ब्यूरो का कॉन्सेप्ट लाया गया है, दिस हैज बीन ब्रॉट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ PJ नायक कमिटी। द करेंट चेयरमैन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो इज BP शर्मा। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 609, यूनेस्कोज क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। तो यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में हमारे देश की 5 सिटीज हैं। मुंबई को क्रिएटिव नेटवर्क सिटीज में रखा गया है फॉर फिल्म क्रिएशन। हैदराबाद को रखा गया है फॉर गैस्ट्रोनॉमी, मतलब वहाँ के फूड कल्चर के लिए उसको क्रिएटिव सिटी में रखा गया है। चेन्नई एंड वाराणसी हैव बीन केप्ट अंडर यूनेस्को's क्रिएटिव सिटी नेटवर्क फॉर देयर म्यूजिक ट्रेडिशन एंड जयपुर फॉर इट्स क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स।
चलिए वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर आगे चलें। टॉपिक नंबर 610 इज अबाउट इरोजन एज ए नेचुरल कैलामिटी। तो देखिए ये तो फिगर आपको पता ही होगा, मैं 15th फाइनेंस कमीशन ऑलरेडी करा चुका हूँ। 15th फाइनेंस कमीशन या कोई भी फाइनेंस कमीशन क्या करता है, अंडर आर्टिकल 280 इट गिव्स फार्मूला ऑफ वर्टिकल टैक्स डिवोल्यूशन दैट हैज़ टू बी शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, और फिर आर्टिकल 280 के अंतर्गत वो फिर हॉरिजॉन्टल टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन का भी फॉर्मूला देता है ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मनी विल बी डिवाइडेड अमंग्स द स्टेट। तो ये तो आर्टिकल 280 में होता है। आर्टिकल 275 इज स्टैचूटरी ग्रांट। स्टैचूटरी ग्रांट में जनरल ग्रांट दिया जाता है टू द नीडी स्टेट्स। नीडी स्टेट्स जहाँ पे कोई मान लीजिए कि नेचुरल कैलामिटी आ गई हो, किसी को कोई स्पेशल जरूरत हो, और उसके अलावा स्पेसिफिक ग्रांट दिया जाता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द ट्राइबल्स अंडर शेड्यूल एरिया ऑफ शेड्यूल 5 प्लस द ट्राइबल्स ऑफ आसाम। तो ये पैसा, ये तो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ कि कैसे फाइनेंस कमीशन अलग अलग रिकमेंडेशन देता है। ये आर्टिकल 280 का रिकमेंडेशन और आर्टिकल 275 स्टैचूटरी ग्रांट। अब ये जो जनरल ग्रांट जो दिया जाता है नीडी स्टेट्स को, ये दिया जाता है टू द स्टेट सो दैट दे कैन टेक मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज अगेंस्ट सम नेचुरल कैलामिटी। ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जनरल ग्रांट दिया जाता है स्टेट्स को ताकि वो कुछ स्ट्रैटेजी ले सकें टू प्रिवेंट और मिटिगेट नेचुरल कैलामिटीज़। तो नेचुरल कैलामिटीज़ ऑलरेडी कई सारे तरह के नेचुरल कैलामिटीज़ के लिए फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है, जैसे फ्लड हो गया, इरोजन फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गई। लेकिन इरोजन एक नेचुरल कैलामिटी की तरह काउंट नहीं होता था बाय फाइनेंस कमीशन टिल नाउ। पिछले साल ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि आसाम सरकार के रिक्वेस्ट पे फाइनेंस कमीशन ने इरोजन को भी एक नेचुरल कैलामिटी की तरह काउंट किया है फॉर स्टैचूटरी ग्रांट। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आसाम सरकार को अब थोड़ा पैसा फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे स्टैचूटरी ग्रांट के जनरल ग्रांट हेड के अंतर्गत मिलेगा टू काउंटर इरोजन और टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ इरोजन। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई है। कुछ नहीं तो ये सवाल तो रट ही लेना, शायद से ये आ जाए। टॉपिक नंबर 611 इज अबाउट ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। आपको तो पता है कि हमारा अर्थ जो है अलग अलग एटमोस्फेरिक लेयर्स में डिवाइडेड है। ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे वाला लेयर जहाँ पे सारे वेदर फिनोमेनोज होते हैं, जैसे कि क्लाउड, रेन, ये सब कुछ ट्रोपोस्फेयर में होता है। ये ट्रोपोस्फेयर में ही सारे वेदर फिनोमेनोज होंगे, इसके बाहर कुछ नहीं होता है। स्ट्रेटोस्फेयर यहाँ पे ओजोन लेयर होता है, और दिस ओजोन लेयर प्रिवेंट्स और प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम यूवी रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन। फिर उसके ऊपर होता है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम मीटियोर्स, क्योंकि मीटियोर्स यहाँ आकर के फ्रिक्शन के कारण बर्न कर जाते हैं पूरी तरह से। थर्मोस्फेयर में तो है ऑरोरास, और थर्मोस्फेयर में कैसा है कि सैटेलाइट एंड रेडियो कम्युनिकेशंस होते हैं। यहाँ से हम लोग वेव्स भेजते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो सैटेलाइट से होकर के वापस हमारे अर्थ पे आता है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है थ्रू दिस, और रेडियो कम्युनिकेशन होता है थ्रू दी सैटेलाइट्स। और उसके ऊपर होते हैं फिर एग्जोस्फेयर। एग्जोस्फेयर इज द अपर लिमिट जहाँ पे एयर बहुत ही ज़्यादा रेयर हो जाता है और धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो ये तो हो गए अलग अलग लेयर्स ऑफ आर एटमोसफेयर। ओजोन लेयर होता है स्ट्रेटोस्फेयर में। ओजोन लेयर लगभग 10 से 15 किलोमीटर थिक होगा, और ओजोन लेयर को मेजर करने के लिए जो यूनिट है वो है डॉब्सन यूनिट। अभी कैसा है कि ओजोन लेयर जो है वो प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, लेकिन ओजोन लेयर के अंदर होल क्रिएट हो रहे हैं, खासकर जो पोलर एरियाज हैं आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन के ऊपर। तो ओजोन लेयर के ऊपर खासकर अंटार्कटिक में ज़्यादा हो रहा है, आर्कटिक में फिर भी कम हो रहा है, और इसके पीछे कारण है पोलर वोर्टेक्स। लेकिन इतना टेक्निकल यहाँ नहीं जाएंगे अभी। अंटार्कटिक रीजन के ऊपर ओजोन लेयर के अंदर होल हो रहा है, जिसको हम कहते हैं ओजोन लेयर होल, ओजोन होल। तो ओजोन होल से को वापस से रिप्लेनिश करने के लिए, ताकि ओजोन वापस से रिप्लेनिश हो जाए और ओजोन होल खत जो बना है गैप वो वापस से वहाँ पे ओजोन आ जाए, इसको इंश्योर कराने के लिए, यानी कि ओजोन को रिजुविनेट करने के लिए ओजोन लेयर को, एक प्रोटोकॉल लाई गई है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, दैट वाज ब्रॉट इन 1987। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अकेला ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें यूनाइटेड नेशंस के सारे मेंबर कंट्री सिग्नेटरी हैं। उसके अलावा आप देखो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में लाया गया, इसमें लगभग 100 तरह के जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हैं उनको रेगुलेट कर दिया गया, उनके इस्तेमाल को। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस था वो था क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो मोन्ट्रियान प्रोटोकॉल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के इस्तेमाल को रेगुलेट कर दिया गया, कम कर दिया गया कि इसका इस्तेमाल आज से नहीं किया जाएगा या बहुत कम किया जाएगा। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस्तेमाल होता था अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे रेफ्रिजरेटर के लिए, एसी के लिए, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जगह पर हम लोग इस्तेमाल करने लगे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFC। अब दिक्कत क्या हुई कि HFC जो है वो ओजोन डिप्लीटिंग तो नहीं है, लेकिन HFC ग्रीन हाउस गैस है तो ग्लोबल वार्मिंग करता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में CFC बैन किया, उसके बदले में लोग HFC यूज करने लगे और HFC जो है वो ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करने लगा और ग्लोबल वार्मिंग करने लगा। तो इसीलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत एक अग्रीमेंट साइन किया गया, किगाली अग्रीमेंट, दैट वॉज साइंड इन 2016, जिसमें फैसला लिया गया कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी रेगुलेट किया जाए, उसके भी यूज को कम किया जाए बाई 80-85% बाई 2045। तो मुद्दा यह है कि किगाली एग्रीमेंट इज अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन, लेकिन किगाली एग्रीमेंट में रेगुलेट किया गया है प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ HFC, बट HFC इज नॉट एन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, इट इज अ ग्रीन हाउस गैस। तो ये बात समझना, UPSC का टिपिकल UPSC का सवाल है ये, पता नहीं MPSC में इस लेवल का आएगा कि नहीं आएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इट रेगुलेट्स प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ नियरली 100 मैन मेड केमिकल्स दैट आर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज, इट वॉज अडॉप्टेड इन 1987। द प्रोटोकॉल टिल डेट इज द ओनली UN ट्रीटी दैट इज एवर रेटिफाइड बाई ऑल 197 UN मेंबर्स। इट बैंड CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दैट लेड टू यूज ऑफ HFC, बट HFC इज अ ग्रीन हाउस गैस, इट इज नॉट अ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस बट इट इज अ ग्रीन हाउस गैस। और इस कारण से HFC का इस्तेमाल जब बढ़ा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगी, तो बाद में किगाली अग्रीमेंट साइन किया गया अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दैट टॉक्स अबाउट रिडक्शन इन द यूज ऑफ HFC अबाउट 80-85% टिल और बाई 2045। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 612, भगजन ऑयल वेल एक्सप्लोजन। तो भगजन के अंदर पिछले साल 27 मई को जो उसका ऑयल वेल था BGR 5 वहाँ पे आग लग गई। ये आग लगभग 100 दिनों तक चला, फिर सिंगापुर की एक कंपनी अलर्ट डिजास्टर कंट्रोल की मदद से इस आग को बुझाया गया और जस्टिस BP कातेकी कमिटी कंस्टिट्यूट की गई थी इस भगजल ऑयल एक्सप्लोजन में कितना नुकसान हुआ उसको स्टडी करने के लिए। और जस्टिस BP कातेके कमिटी के रिपोर्ट के हिसाब से देर हैज बीन अ लॉस ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू ब्लो आउट फ्रॉम BGR 5 दैट इज अबाउट 90-95,000 मीटर क्यूब ऑफ गैस। तो लगभग 90-95,000 मीटर क्यूब ऑफ गैस का नुकसान हुआ है बिकॉज ऑफ दिस ऑयल एक्सप्लोजन एट भगजन इन इट्स ऑयल नंबर BGR 5। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 613, क्लोथ्स बैंक इन आसाम। तो सुआलकुची में एक क्लोथ्स बैंक ओपन किया जा रहा है जहाँ पे वहाँ के जो वीवर्स हैं उनको मॉनेटरी सपोर्ट दिया जाएगा ताकि वो अपने कपड़ों की बेहतर मार्केटिंग कर सके। इस क्लोथ्स बैंक का ओवरऑल रिवॉल्विंग फंड होगा 20 करोड़। इसको लॉन्च करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है ARTFED, एपेक्स आसाम वीवर आर्टिसन कोऑपरेटिव फेडरेशन, विच इज़ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड इन 1977। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर आगे चलें। टॉपिक नंबर 614, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ आसाम समुद्रगुप्त कश्यप साहब को पिछले साल स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ आसाम बनाया गया था। ही इज़ अ रिटायर्ड सीनियर असिस्टेंट एडिटर फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप एंड द पोस्ट ऑफ स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हैज बीन क्रिएटेड अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, आगे चलिए। टॉपिक नंबर 615, इनर लाइन परमिट सिस्टम। तो इनर लाइन परमिट सिस्टम हमारे देश में ब्रिटिशर्स लेकर के आए थे अकॉर्डिंग टू द लॉ बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873। इसके हिसाब से जो इनर लाइन परमिट सिस्टम है उसमें इंडियन सिटीजन्स को भी इन इनर लाइन परमिट एरियाज में जाने के लिए एक स्पेशल परमिशन लेना होता है जिसको कहते हैं इनर लाइन परमिट। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाने से पहले तक ये जो इनर लाइन परमिट था दैट वॉज एप्लीकेबल ओनली इन 3 स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम। लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को ला करके ये इनर लाइन परमिट सिस्टम को मणिपुर में भी एक्सटेंड कर दिया गया। तो अब ये चारों स्टेट्स में इनर लाइन परमिट सिस्टम एप्लीकेबल है, मतलब अगर यहाँ आपको जाना है तो आपको पहले इनर लाइन परमिट लेना होगा। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर आगे चलें। टॉपिक नंबर 616, स्वदेश इनिशिएटिव। स्वदेश का फुल फॉर्म स्किल्ड वर्कर अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट, इट इज़ पार्ट ऑफ वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन वही है जिसमें विदेशों से लोगों को घर लाया जा रहा था, दोज पीपल हुआर स्ट्रैंडेड आउटसाइड ड्यू टू कोविड लॉकडाउन। स्वदेश इनिशिएटिव में कैसा है, डाटाबेस ऑफ क्वालिफाइड सिटीजन्स हैज बीन क्रिएटेड सो दैट उनके लिए अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज हमारे देश में क्रिएट की जा सकें।
वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 617, इंडिया ऑस्ट्रेलिया समिट। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की वर्चुअल समिट हुई थी पिछले साल 2020 में, जब हमारे प्रधानमंत्री उनके प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने वर्चुअल समिट की थी। दो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुए थे, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, और दूसरी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुई थी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2+2 फॉर्मेट ऑफ बायलेटरल मीटिंग होगी बिटवीन फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर्स। तो ये जो म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट हमने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में साइन किया पिछले साल, वो हम ऑलरेडी साइन कर चुके हैं यूएस के साथ, फ्रांस के साथ और सिंगापुर के साथ। तो यूएस के साथ जो म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट है उसका नाम है लेमोवा, वो तो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। उसके अलावा फ्रांस और सिंगापुर के साथ भी ऑलरेडी हमारा इस तरह का म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट है, जिसमें हमारे देश के नेवल शिप्स वहाँ जा कर के बर्थ कर सकते हैं, फ्यूल करा सकते हैं, और उनके शिप्स हमारे यहाँ आकर के बर्थ कर सकते हैं नेवल और रिफ्यूलिंग करा सकते हैं। उसके अलावा जो 2+2 प्लेटफॉर्म है उसमें हमारे देश के डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर दूसरे देश के डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात करते हैं साल में एक बार, उसको कहा जाता है 2+2 प्लेटफॉर्म। तो जापान के साथ और यूएस के साथ इंडिया का ऑलरेडी 2+2 मिनिस्ट्रियल प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश्ड है। पिछले साल इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमने 2+2 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इस्टेब्लिश कर लिया। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 618, प्रोजेक्ट हरियाली। तो प्रोजेक्ट हरियाली पिछले साल हमारे स्टेट के गवर्नर जगदीश मुखी साहब ने लॉन्च किया था ऑन 5th जून, दैट इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। उस दिन उन्होंने सशस्त्र सीमा बल का जो हेडक्वार्टर है चिरांग डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे इस तरह से पेड़ लगा करके ये प्रोजेक्ट हरियाली स्टार्ट की थी। इसका पर्पस था कि BTAD वाले एरिया में अवेयरनेस क्रिएट की जाए रिगार्डिंग अफॉरेस्टेशन, और लगभग 1500 इस तरह के छोटे छोटे फिर पेड़ लगाए गए अंडर प्रोजेक्ट हरियाली। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 619 इज अबाउट पैंगोलिंस। तो पैंगोलिंस इस तरह के जानवर होते हैं, उनके बॉडी पे इस तरह की मोटी मोटी चमड़ी होती है, स्केली स्किन्ड एनिमल्स। अगर ये अपने आप को इस तरह से इंसर्कल करके बैठ जाएं तो इनको फिर शेर भी इन पे अटैक नहीं कर पाता है, ठीक है। इंडियन पैंगोलिन इज कैटेगराइज एज इनडेंजर्ड, इट इज़ फाउंड इन इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। चाइनीज पैंगोलिन इट इज़ कैटेगराइज एज क्रिटिकली इनडेंजर्ड, इट इज़ फाउंड इन भूटान, बांग्लादेश, चाइना, हांगकॉन्ग एंड इंडिया ऑल्सो। तो इंडिया में दोनों तरह के पैंगोलिन मिलते हैं, इंडियन पैंगोलिन भी, चाइनीज पैंगोलिन भी मिलता है। ये जो चाइनीज पैंगोलिन है इसका बहुत ज़्यादा लोग हंटिंग करते हैं, चाइना वाले उसके हंटिंग करके वो लोग उसका मीट का इस्तेमाल करते हैं या उससे ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाते हैं, इसीलिए चाइनीज पैंगोलिन जो है बेचारा क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर आगे चलें। टॉपिक नंबर 620, संपर्क ऐप। संपर्क का फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर माइग्रेटेड पीपल टू असम फॉर रिजुविनेशन ऑफ कर्मा अभियान, स्टार्टेड बाय असम गवर्नमेंट। इसमें क्या किया जा रहा है, एक डाटाबेस बनाया जा रहा है ऑफ ऑल दोज माइग्रेंट्स पीपल हु हैव रिटर्न्ड टू असम बिकॉज ऑफ COVID-19, ताकि उनको बेहतर अपॉर्चुनिटी क्रिएट कराई जा सके। तो जिस तरह से स्वदेश ऐप लाया है भारत सरकार ने विदेश से आने वाले लोगों के लिए, वैसे ही संपर्क लाया है असम सरकार ने बाकी स्टेट से असम में आने वालों के लिए, ताकि उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जा सके, ठीक है। ये आज का आखिरी टॉपिक है, इसको अटेम्प्ट कीजिए, और कल और परसों यानी कि वेंसडे तक मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं करा दूंगा, पूरे 1.5 साल का करंट अफेयर्स ख़त्म हो जाएगा। फिर असम रिलेटेड मुझे कुछ टॉपिक्स कराने हैं, असम के जैसे स्कीम्स वगैरह, वो मैं आपको सैटरडे संडे करा दूंगा, और इस वीक संडे तक आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर सेशन ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको बस उसको रिवाइज कर लेना है एक दो बार। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।